थाना सदर बाजार ऑफिसर कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सोमवार दोपहर गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई। कार्यालय के अंदर ही पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में ठेकेदार का निजी सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि ठेके को लेकर हुए विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि जिस कार्यालय में गोली चली वो डीएम और एसपी आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। साथ ही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के सारे कैमरे बंद पाए गए। ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की किसी अधिकारी या कर्मचारी के मिले होने की संभावना है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है। कटिया टोला निवासी राकेश यादव राजकीय ठेकेदार हैं। सोमवार को ठेकों के टेंडर के विवाद में जब ठेकेदार राकेश यादव ऑफिस के प्राइवेट सुरक्षा के साथ खड़े थे, तभी वहां पहुंचे बदमाशों ने राकेश यादव व उनके सुरक्षा गार्ड पर गोली मार दी। दोनों लोगों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां राजकीय ठेकेदार राकेश यादव को मृत घोषित कर दिया गया तथा उनके प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का इलाज चल रहा है। जानकारी पाकर भारी सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंच गए। राजीव भाई साहब, क्या घटना हुई, क्या बताया जा रहा है? ये ऑफिस गया था हमने, पीडब्ल्यूडी ऑफिस। हाँ हाँ। तो नॉर्मल जैसे जाता है ऑफिस में डेली, एक लॉस कॉन्ट्रेक्टर है वहाँ का। तो जो वहाँ पर ऑफिस में पहुँचा तो पहले से कोई प्लानिंग रही हो या कुछ भी रही हो, सीधा इस पर हमला हो गया। कितने लोग थे, कौन लोग थे? अब ये तो चश्मदीद वहीं देख सकते हैं जो मौके पर मौजूद थे। हम लोग तो सब घर पर थे। कितने लोग गोली मारी, कितनी मौत हुई? दो लोगों को गोली मारी है, राकेश की डेथ हो गई है और सोनू है उसके दो गोलियां लगी हुई हैं। क्या ठेकेदारी की वर्चस्व को लेकर हुआ है? नहीं, ऐसा भी कोई ऐसा कुछ चल रहा होता सुरक्षा कर्मी साथ में होते। सैनिकों को सुरक्षा मिली हुई है क्या? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, डेली जैसे रूटीन में जाता है आदमी का। आज एक गोली चलने की घटना हुई है। उस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगने से मृत्यु हुआ है और एक व्यक्ति को इंजरी हुआ है। तो इसमें तत्काल जैसे सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचने की और हमले भी पहुंच गए हैं। इसमें तहकीकात कर रहे हैं, यहां उपस्थित कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सभी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी अभी तत्काल इसमें टीम गठित कर दिया है मेरे द्वारा और चेकिंग भी करा रहे हैं और जल्दी से इसका पता करेंगे कि जो भी इसमें जो घटना की है इसमें तत्काल गिरफ्तारी करके बोला सका। कोई अपडेट, किसी की मौत होने की खबर लगा कुछ? अभी एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है और इस संबंध में और गहराई से हम लोग इसमें देख रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कोई यहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं और अभी हम लोग एक एक से बात करते हैं। मतलब कितने राउंड गोली चली होगी कुछ अनुमान? वो अभी पूरा जाँच के गहराई से जाँच कर रहे हैं और पता करेंगे। जो भी पता अभी लगभग 2:15 के लगभग पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के पास में जो है दो लोगों ने गोली मार दी है, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा घायल है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी ऐसा कोई बात प्रकाश में नहीं है। गोली लगी, कैसी हालत है, क्या ऑपरेशन चल रहा है? हाँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज किया जा रहा है, कराया जा रहा है।